मित्र का प्यार भरा नमस्कार। ओके धन्यवाद अंपायर मैदान पर शुरू मरा गेंद मजे पर विकी पहला मैच में बहुत अच्छा स्पेल डाला था। पहली ओवर में सरम का विकेट चटकाया और मैच श्री बोर्डगेश्वर टीम को संकट में ढकेला। वही ये दूसरा मुकाबला सामने अब मात्र लल्ला भाई मैदान पर जो राम के नाम से जाने जाते हैं। हम बहुत बार कहते भाई कुछ पैटर्न नेम होते हैं उन पैटर्न नेम से ही पहचान होती कुछ खिलाड़ियों की कुछ इंसानों की और ये पहचान इस वक्त लल्ला मैदान पर। राइट उर्द विकेट पहले ओवर की पहली गेंद जिस खेल के लिए लल्ला यादव जाने जाते हैं वही शॉट पहली गेंद पर थोड़ी सी सफल होकर फाइनल क्षेत्र में खेलने का प्रयास। गेंद का ऊपरी हिस्सा जरूर लगा प्रयास बिल्कुल खूबसूरत हुआ उस शॉट के पीछे निश्चित रूप से खिलाड़ी के कृष्णा दाद देने हो गया हमें के एक खूबसूरत फील्डिंग ग्राउंड फील्डिंग लेकिन अगर ये कैच होता तो निश्चित रूप से ये आज के दिन का अहम कैच होता। बहुत सही बात। अब पूरे प्रतियोगिता में भाई बेस्ट फील्डिंग का अगर देखा जाए तो भाई निखिल गड़ेकर जो बिल्कुल पहले दिन पर भाई बहुत बढ़िया ग्राउंड में फील्डिंग 10-12 रन अपने ग्राउंड फील्डिंग से रोके अच्छी कैचेस लपके लेकिन ये अगर कैच होता तो भाई प्रतियोगिता के सबसे बड़ा बेस्ट कैच होता मेरा मानना। कृष्णा काला बुल कल भी अच्छा एक कैच पकड़ा जो है आपाली ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था। इस बार खूबसूरत शॉट पॉइंट के कवर पॉइंट के बीच में गेंद को खेला निश्चित रूप से दो रन के साथ साथ शेर बहादुर अपने खाते की शुरुआत करते हुए और कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो 3 रन जो कि पहले ओवर का खेल चलता हुआ। एक बढ़िया क्रिकेटर शेर बहादुर लेदर बॉल क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट नौ स्ट्राइकर एंड पर टेनिस बॉल क्रिकेट का और एक गोवा राज्य का अहम नाम जो कि लल्ला यादव। इस बार खूबसूरत शॉट कोई खिलाड़ी नहीं गेंद निकले लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए बिल्कुल एक बढ़िया क्रिकेट देखा समझा गेंद को और एक सही टाइमिंग के साथ साथ गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए 4 रन के साथ साथ टोटल बिल्कुल आगे बढ़ती हुई 7 रन जो कि स्कोर के खाते में। वैष्णवी पंजी क्रिकेट टीम साजू उर्फ वॉन जो कि टीम के सर्वे सर्वा टीम के कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले के दौरान फैसले के साथ साथ शेर बहादुर साथ साथ लल्ला यादव जो कि मैदान के बीच में दिखाई देते हुए और एक शुरुआत शॉर्ट पिच गेंद खेला डिप्स को लग बाउंड लाइन पर वहां पर खिलाड़ी तैनात गेंद को रोका राजेश गेंद को रोकते हुए और इसी दौरान वक्त था समय था 1 रन लेने का और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ती हुई 8 रन बिना विकेट को एक सावधान एक सही शुरुआत जो कि लल्ला यादव और शेर बहादुर जिनके बल्ले से बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी का वहां पर मुजाहिरा करते मैच में विकी वापस मोर्चे पर ऑफ स्टंप पर कट करने का प्रयास चूके गेंद की लाइन से और बिल्कुल सोच सही मैदान पर क्योंकि जिस तरह से लल्ला की शुरुआत है मैच में बहुत अच्छी और एक बहुत बढ़िया प्रयास हम बात बता रहे थे भाई ग्राउंड फील्डिंग के बारे में बहुत उम्दा ग्राउंड फील्डिंग बहुत बार देखने को मिलती है मैदान पर। इस बार बढ़िया शॉट कारपेट के सहारे खेला लॉन्ग ऑफ पर 1 रन निकलता वहां और जहां पर आते खिलाड़ी उठा पाते ओवरसीज खिलाड़ी ये भी है मैदान पर विनोद विल्सन जो कि ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम में एक ही खिलाड़ी रहेगा इस टीम में और पहला ओवर लगभग समाप्त मैदान पर कोई सफलता हासिल नहीं और टोटल स्कोरबोर्ड पर तब्दीली जबकि 9-50 प्रवीण मैच बिल्कुल काटे का टक्कर का इसमें जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और लल्ला की पूरी टीम रोहित स्पोर्ट जो कि वास्को टीम ये भली भांति जानती है 70 से ऊपर ये टोटल होना ही चाहिए अन्यथा 70 से एक बार अगर टोटल नीचे रहा तो भाई मैच वापस रोहित स्पोर्ट के लिए संकट रहेगा और पंजीम टीम ये जानते हैं भाई एक बार 80 के ऊपर वो चले गए तो भाई मैच वैष्णवी पंजीम टीम मैच वापस उनके लिए संकट में। सचिन मंगारे पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर मोर्चे पर
बिल्कुल, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी सचिन बंगारी टेनिस बॉल क्रिकेट का और एक नामचीन खिलाड़ी गोवा राज्य का आज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए दायित्व देता हुआ। ये गेंद खेलने का प्रयास फिर एक बार थोड़े से सफल होके फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में लल्ला यादव का यहाँ पर यह प्रयास मात्र नाकामयाब होता हुआ। सचिन मेडन डिलीवरी से दूसरे ओवर का आगाज। लल्ला यादव कणकवली के मुर्डेश्वर मैदान पर एक बेहतरीन इनिंग जो कि डार्जिलिंग मापसा क्रिकेट टीम की ओर से एक बार खेली थी और मुंबई के तमाम अच्छे खिलाड़ियों को इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और साथ साथ उंगली भाई ऊपर उठी हुई। लल्ला यादव बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, शायद बल्ले का चुम्मा लिया गेंद ने और नतीजा विकेट के पीछे विकेट कीपर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पहले विकेट के रूप में रोहित वास्को क्रिकेट टीम जो कि लल्ला यादव को वापस करती हुई। बिल्कुल बढ़िया विकेट वहां पर, जिस विकेट की हम बात कर रहे थे भाई, जिस तरह से लल्ला का विकेट निकला और शायद नाराजी चेहरे पर उनके कि शायद बड़ा विकेट था इस मैच में। और बॉन बता रहे थे भाई लल्ला भाई बहुत भारत में बहुत जगह पर खेले और इतनी जगह पर खेले तो शायद ये विकेट अहम रहेगा मैच में। और वो विकेट निकलने के बाद हल्की सी ग्राउंड मीटिंग मैदान पर, क्योंकि पता था कि इस विकेट की अहमियत वैष्णवी पंजीन टीम के लिए क्या थी और वो कीमत बिल्कुल सचिन बंगारे बिल्कुल चुकती करता हुआ पहला विकेट निकाला मैच में। टोटल 9 पर मैदान पर खेल बनता हुआ, जबकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का वैष्णवी पंजीम टीम का इरादा, और वो इरादा अब कहीं पर भी जाकर अच्छा लग रहा है मैच में, क्योंकि शेरे बहादुर जरूर है और पहले मैच का जो कि मैच का दावेदार जो कि हेमंत शिड़गांवकर जो कि मैदान पर मैच में, जिस खिलाड़ी के बारे में कह रहे थे भाई पहले मैच में 15 गेंदे 5 छक्के 2 चौवे 41 रनों की एक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर। नए बल्लेबाज हेमंत जो कि स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए, नौ स्ट्राइकर एंड पर शेर बहादुर, आज इनको एक बड़ी पारी खेलनी होगी जो पारी रोहित वास्को क्रिकेट टीम को इस मुकाबले के दौरान जो कि भारी साबित करेगी। और सचिन बंगारी निकले राइट ओवर द विकेट, यह गेंद बड़ा शॉर्ट गेंद हवा में निकले खिलाड़ी नीचे और साथ साथ और एक बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज के रूप में हेमंत शेडगांवकर 0 के योग पर मैदान से बाहर। शॉर्ट पे गेंद थी कृष्णा, लेकिन शायद इस गेंद को टाइम करने से चूके और जो खिलाड़ी सर्कल के बाहर थे उसी की दिशा में गेंद गई और नतीजा हेमंत निकले मैदान से बाहर। शायद ये भी शायद गेंद तेज थी, बल्ले पर जल्दी आकर टकरा गई, ये कहीं पोजीशन बिल्कुल ठीक ठाक थी, शायद थोड़ा सा जल्दी गेंद आकर टकरा गई इसलिए हवा में खड़ी हो गई। और जिस विकेट की तलाश और थी, मतलब पहले मैच का मैन द मैच का दावेदार, वो भी मैदान पर लौटा, जबकि हीरो से पल भर में भाई शहजादा फकीर बन गया, एकदम जीरो में लौटा। और वास्को टीम अब भाई कहीं ना कहीं संकट के घेरे में, लल्ला और हेमंत ये जो ये खिलाड़ी दोनों ही आज सस्ते में लौटे और वैष्णवी पंजीम टीम मैच में फिर से वापसी करती हुई मैदान पर। खूबसूरत गेंदबाजी सचिन बंगारे के, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बहुत प्रतियोगिता में देखा गया, एक सलामी बल्लेबाज के रूप से बहुत प्रतियोगिता में खेल चुका है, एक बढ़िया बल्लेबाज, उतनी ही उम्दी गेंदबाजी उनकी इस मुकाबले के दौरान और वो गेंदबाजी लगातार 2 गेंदे 2 विकेट। नए बल्लेबाज रेमन जो कि नौ स्ट्राइकर एंड पर और शेर बहादुर उर्फ शेरू जो कि स्ट्राइक एंड पर, सचिन बंगारी की हैट्रिक गेंद, यह गेंद बढ़िया समा दिया, ढकेला गेंद खिलाड़ी की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील, पहला रन पूरा किया साथ साथ दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, जब तक थ्रो वापस आते विकेट कीपर की दिशा में शेर बहादुर दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए और 2 रन के साथ साथ काफी देर से रुकी रन संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। दुसरे ओवर का खेल, साजू टॉस जीतकर फील्डिंग करने का उनका फैसला, अपने गेंदबाजों के ऊपर जो भरोसा दिखाया उस पर खरे उतरते हुए सचिन बंगारी, ये बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को सिर्फ रोकना उचित समझा और मैडन डिलीवरी के साथ साथ दूसरे ओवर का खेल आगे बढ़ता हुआ।
11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज हेमंत शिडगांवकर बिल्कुल सस्ते में लौटे, शुरू के योग पर लौटे और उनके साथ साथ सलामी वीर लल्ला यादव। आज इस बार यह गेंद खेला, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोका, जब तक गेंद फील्ड होती वापस आती, एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ते हुए दो ओवर का खेल खत्म। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों षटकांचा खेल संपतोय, 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। बिल्कुल, पणजी वैष्णवी टीम ने आज पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय मैदान पर लिया और दावत दी सामने से बल्लेबाजी करने की रोहित वास्को टीम को। और शायद इस अंदाज में देखा जाए तो भाई प्रवीण 2 विकेट निकलने के बाद वास्को टीम भी इस संकट के घेरे में, पता है कि भाई और एक आध विकेट निकलेगा खासकर शेरे बहादुर का, तो वैष्णवी पंजीम टीम मैच को भाई फिर से अपने कब्जे में करेगी। लेकिन यही तो खेल है, मैदान पर उतार चढ़ाव हमेशा चलेगा मैच में। और गेंदबाजी के मोर्चे पर जिसने प्रारंभिक शुरुआत की वो विकी अब मात्र वापसी में अपना अंतिम ओवर लेकर, अपना स्पेल समाप्ति का ओवर लेकर मैदान पर वापस दौड़ता हुआ। पहले ओवर में इनके विरुद्ध एक चौवा मात्र लगा शेर बहादुर के बल्ले से, उसके बावजूद एक बढ़िया गेंदबाजी, साथ साथ तीसरा ओवर करने के लिए विके फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। पूरे कल के 2 दिन के खेल में बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से कृष्णा बहुत से मैच का हमने लुप्त उठाया, आपकी सुनहरी कॉमेंट्री, साथ साथ प्रकाश सज्जन की कॉमेंट्री, अशोक नायक की कॉमेंट्री, साल के मामा की आवाज तमाम दर्शकों को, साथ साथ अक्षय एक होनहार कॉमेंटर, उनके आवाज सुनने का मौका मिला। दौड़ पड़े, बाय का इशारा हुआ, एक रन का इशारा, एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ती हुई 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। आज जिस तरह से शुरुआत अच्छी हुई, पहले 9 रन की लल्ला का विकेट निकला वापस जल्दी ही, जबकि हेमंत का विकेट निकला। अर्शद अब पंजीम टीम कहीं पर भी एकाध विकेट और चाहकर भाई रोहित वास्को टीम को संकट में ढकेलने का प्रयास, लेकिन भाई शायद शेर बहादुर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी को रेमंड को मतलब लवलव को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, शॉट मिडा पर हाना हाना जरूर हुआ, लेकिन शायद पहला रन बहुत तेज निकला। अच्छी फील्डिंग ग्राउंड पर अच्छा थ्रो निकला, विकेट कीपर चित्रा जो कि इससे पहले भी एक विकेट के पीछे बहुत खूबसूरत काम कर चुके हैं, पहले मैच में स्टम्प आउट कर चुके हैं, और शायद तो ये सोच बिल्कुल सही थी, एक रन के साथ शेरे बहादुर को स्ट्राइक पर लाकर खड़ा करना और वापस मैच में नॉन स्ट्राइक पर जाकर खड़ा होना, ये सोच बिल्कुल सही कि शेरे बहादुर जब तक खड़ा है भाई किसी पर भी प्रेशर उतना नहीं रहेगा जितना कि वैष्णवी पंजीम टीम सोच रही इस मैच में। विकेट फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, बिल्कुल सही बात कृष्णा, शेर बहादुर को एक बड़ी इनिंग खेलनी है, एक 30-40 रन की पारी खेलनी है और वही पारी निश्चित रूप से वास्को क्रिकेट टीम के लिए संकट मोचक पारी जो कि काम आएगी। यह गेंद बढ़िया शॉट खिलाड़ी के ऊपर, क्या जॉब दे भाई, क्या कैच था शायद का, अब बिल्कुल आपके पास वो शब्दों की अब कमी रह गई प्रवीण, जो कैच हवा में था शेरे बहादुर ने शरीर के दूर से शॉट को जरूर मारा भाई, गेंद गोली के रफ्तार से, लेकिन बीच में भाई अंबुजा सीमेंट की जबकि साहिल नाम की दीवार, और शेरे बहादुर को उस कैच लेने के बाद भाई एक सल्यूट किया, सलाम किया और शेरे बहादुर को यह कहा कि भाई चलिए आपका इस सीरीज में, आज के इस इनिंग में काम तमाम हो गया। और जैसे शेरे बहादुर का विकेट निकला भाई फिर से वो गणपति बप्पा मोरिया की धुन आपको फिर से सुनाई देगी। बिल्कुल कृष्णा, लग रहा था कि शेर बहादुर ने शॉट ठीक ठाक खेला था, बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन अन वक्त पर एक लाजवाब फील्डिंग मैदान के बीच में देखने को मिले, जिस फील्डिंग की बदौलत शेरू को मैदान से बाहर जाना पड़ा तीसरे विकेट के रूप में, और विके फिर एक बार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। साहिल जो कि कैच लपकता हुआ भाई, बताना हमारे लिए इतना मुश्किल रहेगा कितने पल भर में भाई उस कैच को लपका, पल के झुकी ना झुकी भाई तब तक शेर बहादुर की बारी समाप्त। शॉट बहुत अच्छा था, बहुत बार हम देखते हैं रोहित शर्मा को केदार जाधव को पॉइंट के ऊपर से कट मारते हुए भाई, कद बिल्कुल साहिल का ऊंचा, लेकिन उससे भी भाई साहिल आपका काम ऊंचा। शेरे बहादुर का विकेट निकलने के बाद अब मात्र रोहित स्पोर्ट टीम इस वक्त वास्को शायद संकट के घेरे में। प्रणाम
वाह भाई शॉट हवा में और गैप में गेंद चार रन के लिए। विनोद विल्सन शायद पहले दोहराई में फंस गए, पहले वो कैच के लिए दौड़ रहे थे लेकिन जब उन्हें पता चला भाई कैच के लिए दौड़ना आसान नहीं है तब तक भाई देर हो गई मेहरबा। गेंद जैसे पिच पर मतलब आउटफील्ड पर गिरी भाई विनोद विल्सन को सिर्फ चकमा दिया और दर्शकों में से जाकर उठाकर लाने का बस विनोद को काम करना पड़ा और टोटल स्कोरबोर्ड पर तब्दीली। 18-18 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के बीच में, पहला ओवर विकी का, फिर एक बार तीसरा ओवर विकी का और दूसरा ओवर सचिन का, इस बार खूबसूरत लाजवाब ये गेंद ने बिल्कुल गेंदबाज की स्पीड का इस्तेमाल किया और इस बार एक बढ़िया सेफ शॉट गेंद निकले सीमा रेखा पर चार रन के लिए। चार रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ी 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक टोटल अच्छा लग रहा है अभी क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है मैच में, लगभग 7.5-8 रन प्रति ओवर बन रहे हैं मैदान पर, लेकिन सबसे खराब स्थिति है कि आपके 3 विकेट निकल चुके हैं मैच में। अगर उस विकेटों को आपने रोका तो अंतिम ओवर तक 70-75-90-80 तब तक चाहे स्कोर चलेगा और प्रणव खेलेगा तो भाई 100 तलक भाई ये मेरा निजी मानना ये टोटल बन सकता है मैदान पर। बिल्कुल इस बार बढ़िया क्रिकेट गेंद को सिर्फ रोकना उचित समझा, ढकेला वक्त था समय था दूसरा रन लेने का और क्या लाजवाब यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट। एक सूझबूझ भरे क्रिकेट, नजदीक में कोई फील्डर नहीं और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, एक छोर से प्रणय पोल जी और दूसरे छोर से उनके साथी बल्लेबाज रेवन जो कि बिल्कुल उनका साथ निभाते हुए। दो रन के साथ साथ बिल्कुल टोटल आगे बढ़ती हुई 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर तीसरे ओवर का खेल बिल्कुल खत्म होता हुआ। वेदांत इलेवन हरम्बल का एक खूबसूरत आयोजन इस साल, कुछ अलग सोच इस प्रतियोगिता के दौरान और इस अलग सोच के साथ बड़ा इनाम और बड़े इनाम के साथ साथ कृष्णा खूबसूरत सी ट्रॉफिया इस साल देखने लायक लाजवाब ट्रॉफी का मैं पहली मरतबा भाई मालिका के लिए खास आकर्षक बाइक जो की डिवो की, मतलब ये कुछ इस साल अलग कर चुके हैं वो, मतलब हर साल हम कहते हैं ना भाई पंचायत लेवल की से प्रतियोगिता हरम्बल से शुरुआत हुई, तालुक वाइज हरम्बल से शुरुआत हुआ, शायद ओएसएस प्लेयर का भी खेल हरम्बल के साथ ही शुरुआत हुआ, मतलब हरम्बल ने बहुत कुछ दिया इस क्रिकेट को लेकिन मैं कहूँगा अभी भी दे रहे हैं। मतलब भाई ये देखिए मालिकावे के लिए आकर्षक जो कि बाइक मैदान पर, ये काम आसान नहीं था लेकिन पूरी योजना बनाई, 1.5 महीना लगा, 2 महीने लगे इस प्रतियोगिता को लगभग सत्य की तरफ ले जाने के लिए और ये अब सत्य के मार्ग पर चल रहे, मतलब कल का आखिरी दिन बचेगा और कल के आखिरी दिन पर ये मुका ये प्रतियोगिता समाप्त, लेकिन यादें साल भर रहेगी इस प्रतियोगिता वेदांत हरम्बल इस प्रतियोगिता की मैदान पर। बिल्कुल एक सही बात कृष्णा, मैन ऑफ द सीरीज के लिए टू व्हीलर का होना, इससे पहले इसकी जॉगिंग की एक प्रतियोगिता आप सके बोडगेश्वर मैदान पर हमने देखे, बंड्या भगत उस प्रतियोगिता के दौरान मैन ऑफ द सीरीज रहे थे टू व्हीलर के, इसकी जॉगिंग नहीं नेवर गिव अप बॉयज जो कि इसे वो मापसा का था, नेवर गिव अप बॉयज जो कि 17 आर्यन वो यह तो वो प्रतियोगिता थी जहां पर भाई बाइक थी वहां पर बंड्या भगत को जो मिली थी। बिल्कुल बोडगेश्वर के उस मैदान पर और साथ साथ इस प्रतियोगिता के दौरान और एक टू व्हीलर का इनाम जो कि दिखाई देता हुआ, एक बढ़िया सोच इस बार सन्मान्य अपाजी वाइंगणकर जिनको उसका पूरा श्रेय साथ साथ उनके सभी सदस्यों को वेदांत 11 क्रिकेट टीम को और सबसे भाई प्रकाश को, प्रकाश को क्योंकि प्रकाश गए 2 दिन ये 4 दिन 3 से भाई हर एक काम निभाता हुआ बिल्कुल जिम्मेदारी से और कुछ नाम है उनके जो हर किसी का नाम भाई बताना आसान नहीं होगा लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई वाइट बॉल के लिए, वाइट के साथ इशारा निकला मैदान पर और टोटल स्कोरबोर्ड पर 25 पर पहुंचा, लगभग तीसरा ओवर समाप्त, चौथा ओवर जो कि इस वक्त बॉन्ड के रूप में चलता हुआ मैदान पर। इस बार बढ़िया गेंद, उस गेंद को उतना ही बढ़िया सम्मान देते हुए 1 रन के साथ साथ बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए और 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 26 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात।
टीम के कप्तान साजू गेंदबाजी के मोर्चे पर उनके कोटे का पहला टीम की ओर से चौथे ओवर का खेल मैदान के बीच में चलता हुआ। एक छोर से वैष्णवी फंजी क्रिकेट टीम तो दूसरे छोर से बात की जाए तो वास्को क्रिकेट टीम बिल्कुल उनके सामने। फील्डिंग में तब्दीलियां होती हुई कप्तान साजू उर्फ बॉन्ड की ओर से और कुल मिलाकर खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। स्ट्राइक इन पर रेवन, एक बढ़िया शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से, एक चौवा निकला था थर्ड मैन बाउंड लाइन से बाहर। इस बार हवा में खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद को रोकने से चूके, साथ साथ दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और जब तक गेंद वापस आती भाई जहां पर कैच का मौका था वहां पर दो रन मुकम्मल और दो रन के साथ साथ 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद हर कैसे फ्लिक किया गेंद को, पहले फ्लिक का वो शॉट था जहां पर दो रन बने, अब की बार भाई शॉट डीप स्क्वायर लेग और बिल्कुल मिड विकेट के बिल्कुल बीच में से निकला, मिड विकेट का खिलाड़ी और दौड़कर आया गेंद को उठा पाता एक रन के लिए। साहिल जो कि साहिल एक बढ़िया ग्राउंड फील्डिंग मैदान पर, और हमने बताया भाई कुछ नाम ऐसे बताए जो ग्राउंड फील्डिंग में शायद निखिल गडेकर हो, रोशन पेंडनेकर, साहिल हो। एक बहुत ही बढ़िया गेंद डॉट निकलती हुई, कुछ डॉट गेंदे कुछ प्रेशर बनाते और साधु जो कि अच्छी गेंदबाजी मैदान पर। और प्रवीण हम हमेशा कहते हैं भाई कुछ पैटर्न नाम होते हैं कुछ इंसानों के, उस नाम से बहुत लोग उन्हें जानते हैं। शॉर्ट गेंद जरूर पुल किया लेकिन मिड विकेट पर राजेश वहां पर गोसावी फील्ड करते हुए, अच्छा थ्रो राजेश का, एक रन वहां पर बनता हुआ प्रणव पोल जी के लिए। और रोहित स्पोर्ट वास्को टीम का मैदान पर टोटल इस वक्त इन्हीं का चौथा ओवर चलता हुआ जबकि 30 पर पहुंचा। विकेटों की बात बताऊं तो शुरुआत के लगभग 3 विकेट निकल चुके हैं, मतलब 3 विकेट अगर छोड़े जाए तो रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक मैदान पर, क्योंकि चौथा ओवर इसके बाद 4 ओवर बचे, अंतिम 4 ओवर में 50-55 बनाएंगे तो 80-90 तक ये टोटल पहुंचेगा मैदान पर। आज उतनी हवा तेज नहीं है जितनी कि लगातार 3 दिन पहले की बात थी, हल्के से हवा के झोंके रुके हैं। बिल्कुल 2 दिन से पहले सज्जन हमारे साथ तो जुड़े हुए थे, प्रकाश जुड़े हुए थे, लेकिन सज्जन आपका भी स्वागत इस प्रतियोगिता में इस मैच के दरमियान। फिर एक बार साजू की यह गेंद, एक तेज भरी गेंद विकेट, शायद रेवन खेलना चाहते थे फाइन लेग स्पेल लेग के दिश में। बिल्कुल आपने सही कहा प्रवीण, लेकिन अगर ये बल्ला देखिए तो भाई बहुत दूर से बल्ले को घुमाकर स्वीप अंदाज में मारने का प्रयास था रेवन का। गेंद खुशी में समझ में रही कि बल्ले पर टोपर नहीं निकली क्योंकि फर्स्ट स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन प्रवीण ये शॉट बिल्कुल जितना हम देख रहे भाई आसान शॉट नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास चाहिए। और शायद रेमन को पता था कि ये शॉट किस तरह से मारते लेकिन आज वो मार ना सके। और प्रवीण कुछ बातें ऐसी है, मतलब चलिए 4 ओवर समाप्त, 30 पर पहुंचा 3 विकेट पर जो कि रोहित स्पोर्ट टीम का जो कि खेल मैदान पर। विनोद विल्सन के हाथों में गेंदबाजी के हाथों में मोर्चा, बिल्कुल विनोद विल्सन के हाथों में गेंदबाजी, और ये ओवरसीज खिलाड़ी है, एक ही खिलाड़ी पंजीम वैष्णवी टीम में जो ओवरसीज खिलाड़ी जो कि विनोद विल्सन। प्रवीण इस वक्त जो कि लपलप मैदान पर नौ स्ट्राइक पर है, ये खिलाड़ी ऐसा है ना जो रोहित स्पोर्ट टीम को तारणहार का काम करेगा, और शायद सामने जो कि पोलजे जो कि इस मैदान पर मतलब ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया, मतलब भाई बहुत सी प्रतियोगिता में देखा है इस खिलाड़ी को, एक हाथ से अनहोनी को होनी तरफ लेके जाते हैं मुकाबला, लेकिन सामने कौन है भाई, एक गुणवान खिलाड़ी मैदान पर,
जो कि विनोद विल्सन। यह गेंद ऑफस्टम से थोड़ी सी दूर जो कि दिखाई देती है और बिल्कुल मेन अंपायर इस गेंद को वाइड करार करते हुए एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जो कि स्कोर के साथ जुड़ता हुआ एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ी 31-31 रन तीन विकेट के नुकसान पर। इस बार बिल्कुल जड़ में सिर्फ गेंद को रोकना उचित समझा। बिल्कुल इस आज के दिन के पूरे खेल में संदीप जी रुद्र साथ साथ दीपक जी दूरी जो कि अंपायर की जिम्मेदारी हाल ही में एक 50,000 के प्रतियोगिता मडुरा गांव में हुई संदीप जी के साथ वो प्रतियोगिता में बिल्कुल कमेंट्री करने का मौका गया ऊंची जरूर और उतनी ही दूर जो कि जाते हुए प्रणय पोजी के बल्ले से निकला इस इनिंग का ये पहला छक्का। 6 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ते हुए टोटल पहुंची 37 रन तीन विकेट के नुकसान पर। हालांकि लंबे कद के सचिन बंगारी गेंद के नीचे बिल्कुल खड़े थे उनसे भी ऊपर से गेंद जो कि निकलती हुई 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद मोड़ना चाहते थे खेलना चाहते थे गेंद को डीप कर लेग बाउंड लाइन से पार गेंद परिवर्तन के तौर पर डाली गई गेंद और इसी दौरान बाइक का इशारा होता हुआ बिल्कुल प्रणय पूज अपने इस शॉट से थोड़े से नाखुश जरूर होंगे गेंद थोड़ी सी धीमी आती हुई। काफी समय था उनके पास बड़ा शॉट मारने का लेकिन क्या होता है कभी कभी दुविधा रहती है मन में। आप शॉर्ट बॉल के लिए तैयार रहते हो एकदम से फुल टॉस गेंद आती है और वो मिस टाइम होती है और भाई विकेट निकलता है कुछ उस तरह से वहाँ पर हुआ। वो तैयार थे ओवर पिच के लिए लेकिन शॉट गेंद कर दी वो भी धीमी कर दी और वो जब तक मन में सोच रहे थे शॉट मारने का गेंद अपना काम कर चुकी थी। ऑफ्टम के बाहर हवा में रखा गेंद को लॉन्ग ऑफ और कोर के बिल्कुल बीच में से गेंद निकली पहला रन बहुत तेज निकला कॉल अच्छा और अमूमन दौड़ अच्छी विकेट के बीच में प्रणव की। मैच के दरमियान विनोद हरम्बलकर अनिकेत देसाई साथ साथ मैडी आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में और वैसे ही राम नागवेकर आपको प्यार भरा नमस्कार इस प्रतियोगिता में। राम आपका फिर से स्वागत राम कहा है आप सुन रहे ना धन्यवाद राम। मतलब ऐसे कुछ चुनिंदा जो कि इस मैच का लुफ्त उठा रहे दर्शक बढ़िया शॉट कवर पर अब की बार एक्स्ट्रा कोर्स ही मारेगा पर अब राजेश स्क्रीन पर आता हुआ एक रन निकलता हुआ और एक रन के साथ साथ रनगति मैदान पर 41 पर पहुंचा मैच में टोटल मैदान में एक छक्का लगा इस ओवर में एक बहुत बढ़िया छक्का। इस ओवर के अंतिम गेंद और फिर एक बार प्रणय पोजी जो कि स्ट्राइक गेंद पर इस बार खूबसूरत शॉट गेंद निकली डीप मिड विकेट बाउंड लाइन पर राजेश गेंद के पीछे और एक बढ़िया खिलाड़ी 66 नंबर की जर्सी गेंद को रोकते हुए सिंगल के साथ साथ दोनों बल्लेबाज खुश और इसी दौरान ओवर की समाप्ति का इशारा। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ी 42-42 रन तीन विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल पांच ओवर मतलब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ और विकेट हाथों में है। सबसे बड़ी बात यह कि रुपेश आजगांवकर उनका ओवरसीज खिलाड़ी भी मैदान में अभी भी आना बचा जिस मैच में पहले मैच में भाई 2 छक्के मात्र 13 रन बनाए और एक विस्फोटक बल्लेबाजी हेमंत शेडगांवकर जो कि आज 0 पर लौटे। और एक बैटिंग चार्ज पावर प्ले का भी ओवर बचा है मैच में शायद उस ओवर में भी आप आक्रमण देख सकते हैं प्रवीण प्रवीण मैच के दरमियान हम फिर से कह रहे हैं भाई अनिकेत देसाई साथ साथ महेश भाईटकर विनोद हरम्बलकर आपका स्वागत मैदान पर और बिल्कुल फिर से स्वागत इस वक्त आप जरा ऊपर कर दिए धन्यवाद मतलब भाई शुक्रिया मान सम्मान बढ़ाने के लिए। और भाई मैडी आप कहाँ हो धन्यवाद मैडी। बिल्कुल अगर इनकी बात की जाए ना तो इनके पसंदीदा कमेंटेटर आप बहुत बार आपको कोरगांव में देखा गया सही बात है क्योंकि अनिकेत हो महेश मैडी हो विनोद हरम्बलकर भाई कभी कभी हम देर से पहुंचते हैं कोरगांव में
क्या होता है, हमारा भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस बात को संभाल लेते हैं भाई, हर वक्त कभी कभी दिल पर नहीं लेते बिल्कुल। यहाँ पर ईशान अंपायर का बैटिंग चार्ज पावर प्ले का, और वो हमेशा कहते हैं भाई बस आप आओ शान बढ़ेगी। भाई हम जब भी कोरगांव में जाते हैं ना, एक मान सम्मान रहता है, खासकर होटल बुलबुल के मालक, या फिर हम हमेशा कहते हैं भाई प्रसिल की, विराट कोहली की माजी, मतलब हर किसी घर पर हमें भाई मान सम्मान मिलता है। अजय नार्वेकर के भी भाई बहुत प्यार से लोग वहाँ पर जो कि सम्मान करते हैं, मतलब ये पाया कोरगांव में हमने भाई, ये मान सम्मान है हम कोरगांव में हमारा। और शायद चलिए फिर से बॉन्ड मैदान पर गेंदबाजी पर, सामने एक दिग्गज खिलाड़ी, चलिए आगाज मैदान से एक बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच राम नागरकर के बिल्कुल करीब से गेंद निकली 6 रन के लिए, एक विस्फोटक बल्लेबाजी इस मैच में। मैच जिंकून दाखव गोट्या मतरे मलार। धन्यवाद मैदान पर। अच्छा तो कोरगांव की और एक बात है, हाल ही में टी-10 पर्दा उनकी हुई लेजर बॉल की, एक लाजवाब पर्दा पूरी प्रतियोगिता में पहली मरतबा 90,000 का वो पहला प्राइस। लेकिन यूट्यूब पर जो मुकाबला दिखाया गया, कम से कम 81,000 लोग उस मैच का लुफ्त उठा रहे थे, लगभग 80,000 से भी लोगों ने उस मैच का लुफ्त उठाया, और टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 48 पर पहुंचा मैच में। वापस कप्तान खुद जिम्मेदारी का बोझ उठाए, दोनों सामने आमने सामने कप्तान है टीम के भाई, दोनों सामने कप्तान, दोनों में वो क्षमता है मैदान पर। उड़ाया 6 रन के लिए, एक लाजवाब छक्का मैदान पर। पचास रन जबकि पूरे मैदान पर इस वक्त। बैट्समैन आए तू रन झुंझार, बैट्समैन आए तू रन झुंझार, बल्ला बल्ला ना केला शिकार। शायद पीयूष वांगणकर ने एक प्राइज रखा है पूरे प्रतियोगिता में, पूरे प्रतियोगिता में पीयूष प्रवीण वांगणकर ने 3 छक्के ₹500, 3 चौके ₹500, हैट्रिक विकेट ₹500, सीमा रेखा से दर्शक जो भी कैच लपकेगा उसे ₹100, और वो सभी प्राइस, मतलब जो कैच लेने का प्राइस वो ताबड़तोड़ मिलेगा आपको, और बाकी के प्राइस जो कि आप छक्का मारेंगे हैट्रिक का तो ₹500 का। फुल टॉस गेंद ये नहीं मिला भाई, पप्पन सागौकर ने 3 छक्के 3 चौके मारे, राजेश की हल्सी गलती, फील्डिंग कॉल, अच्छा राउट का मौका, और भाई ये देखिए एक बहुत ही बड़ा विकेट और आउट। प्रणव पोजी संकट के घेरे में, इस रन की आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि पहले शॉट बन चुका था मैदान पर, अपने आप जो के नॉस्ट्रा के खिलाड़ी जो के बुलाया वहां पर, और प्रणव डेंजर जोन पर जब तक निकल पाते भाई चित्रा की तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर की, एक योजनाबद्ध विकेट कीपिंग, स्टंप बिखरे और टोटल स्कोरबोर्ड पर तब्दीली, 4 विकेट के नुकसान पर 55 पर पहुंचा मैच में टोटल, और डीजे उज सचिन बंगारे। लपलप रोहित स्पोर्ट वास्को टीम भाई बैट्समैन नेम आकाश, आकाश मैदान पर निकलता वा भाई, इस खिलाड़ी में भी वो क्षमता है और लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, और सामने साधु जो के मैदान पर
ऑफ टर्म के बाहर जाए तो रन तो जरूर निकलेगा। और विकेट कीपर को देखिए नाराज, और 22 के रूप में जो डॉट गेंद निकल रही थी वहां पर रन निकला, स्ट्राइक लपलप के हाथों में निकली, मतलब रेमंड के हाथों में, और एक रन के साथ साथ रन गति बनी 56 लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन। प्रवीण मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है। अब वहाँ बात करते हैं आरविलम कोरगांव की 81,000 व्यूवर्स जो कि मैच का लुफ्त उठा है, और गोवा राज्य में शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ है। एक बहुत ही बड़ा आयोजन उस टी20 स्पर्धा का, वहाँ पर राम चीफ गेस्ट के रूप में भी बहुत बार थे मैदान पर, और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी था वहाँ पर, मतलब बहुत सा मान सम्मान बढ़ाएगा हर किसी का। लेकिन आज ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता कुछ अलग है। ये भी भाई गोवा राज्य की एक अलग प्रतियोगिता, पेंडी तालुके में पहली मरतबा बाइक जो कि मालिकावीर के लिए, मतलब गाड़ी जो कि डीओ की, तो ये बात भाई आसान नहीं थी उसे आसान करते हुए, और लॉटरी पर भी एक गाड़ी है जो कि प्राइस में। शॉटगन पुल जरूर किया लेकिन भाई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद जाएगी तो सीमा रेखा के बिल्कुल करीब करीब गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन जब तक वापसी में रोका जाता लगभग गेंद दर्शक दीर्घा से बाहर सीमा रेखा से 4 रन के लिए, और चौवे के साथ 60 पर पहुंचा मैच में टोटल मैदान पर। प्रवीण अब इस खिलाड़ी अपने गाड़ी का गियर बदल रहा है, और इस चौवे के साथ लपलप के हाथ से, मतलब इस वक्त चौवा निकलता हुआ, और ये चौवे की आवश्यकता थी इस ओवर में रोहित स्पोर्ट जबकि वास्को टीम को मैच में। बिल्कुल कृष्णा, 2 छक्के लगे थे प्रणव पोज जी के बल्ले से, साथ साथ उस रन की कोई जरूरत नहीं थी, रन आउट के रूप में विकेट नहीं जाना चाहिए था, फिर भी उसके बाद रेवन की एक बढ़िया शॉट, एक खूबसूरत शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर, और वही दिशा में एक शॉट जो कि चौवे के लिए गेंद निकली, और 4 रन के साथ साथ टोटल को भी आगे बढ़ाया। रिवर्स स्वीप खूबसूरत शॉट, गेंद काफी देर तक हवा में राजेश प्रयास को जारी रखते हुए, और गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री से पार 4 रन के लिए। रेमंड के बल्ले से निकलता है दूसरा रिवर्स का चौवा, पहला थर्ड मैन पर मारा था और दूसरा पॉइंट पर, और शायद हाथ खोलने का इससे बेहतरीन समय नहीं उनके पास। 6 ओवर लगभग समाप्त हो चुके, 64 पर पहुंचा मैच में टोटल 4 विकेट के नुकसान पर, और अमूमन अब 90 का टोटल सामने रखने का प्रयास रहेगा रोहित स्पोर्ट वास्को टीम का। लेकिन सचिन बांगारे का शायद एक ओवर अभी भी मैच में, एक ओवर सचिन बंगारे का बचा है मैच में, और शायद एक ओवर वो ओवर जिस ओवर में कम से कम सचिन बंगारे कम रन खर्च कर 2-3 विकेट चटकाए, और सबसे बड़ा विकेट जो कि नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज का जो कि रेमंड का, मतलब बिल्कुल लपलप का, वो विकेट अहम रहेगा। लेकिन साथ साथ पीछे हम रूपेश आजगांवकर की बात करते हैं, वर्सेस खिलाड़ी वो पीछे मैच में है, मतलब बल्लेबाजी शेष है पीछे, सिर्फ फेर बदल किया आकाश को लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, इसलिए शायद प्रवीण कोटरकर उसे आगे भेजा और वापस जो कि इस वक्त मैदान पर। बिल्कुल एक अलग सोच यहां पर रोहित वास्को क्रिकेट टीम के, और साथ साथ सचित मंगारे निकले अपने कोटे का यह दूसरा ओवर लेकर, बैटिंग पावर प्ले के उस ओवर में कृष्णा 22 रन बने, और वो 22 रन रोहित वास्को क्रिकेट टीम के लिए टोटल को बिल्कुल ठीक ठाक करते हुए सचिन निकले। बल्ले का चुम्मा भाई, गेंद निकले विकेट के, विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित, और एक बल्लेबाज रोहित वास्को के खेमे में वापस। बिल्कुल अब मात्र उनका औसत खिलाड़ी जो कि मैदान पर रूपेश आजगांवकर पहुंचता हुआ, मैंने पहले मैच में आपका इसका विश्लेषण बताया, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम बताते हैं और अचानक विकेट गिर जाता है, ये कभी कभी मैच में प्रेशर भी रहता है, लेकिन शायद ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन ये बात कितना सच है ये बात हमारे लिए भी बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से रिकॉर्ड ऐसे जो बताने ही का पड़ते हैं मैच में, उन रिकॉर्डों के सिवा भाई वो मैच लगभग खाली सा लगता है। लेकिन चलिए एक खिलाड़ी और मैदान पर, जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में भाई एक बहुत बढ़िया उम्दा गेंदबाजी की, 2 और लगभग 18 रन और 2 विकेट, लगभग 10 रन और 2 विकेट,
लेकिन भाई उस मैच में मैन द मैच का दावेदार हेमंत शेडगांवकर रहे, 15 गेंदे 5 छक्के 2 चौवे 41 रन, ये बल्लेबाजी। लेकिन वो फर्क उस मैच का था और ये फर्क इस मैच में है कि भाई इस वक्त लपलप को ज़्यादा स्ट्राइक देनी पड़ेगी आपको, या फिर आपने हाथ में भाई वो कमान थमनी पड़ेगी रोहित पोर्ट पूरे टीम की रथ की और चलाना पड़ेगा इस रथ को। सचिन बंगाड़े फिर एक बार दूसरे ओवर में सफल साबित होते हुए, इस बार ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही, दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, एक मिसफील्ड मैन हैंड डिलीवरी के ऊपर बाय के रूप में एक रन, जो कि संदीप जी रुद्रे इशारा करते हुए और इस एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ते हुए 65-65 रन जो कि स्कोर कार्ड पर रोहित वाशको क्रिकेट टीम। मैच के दरमियान हेमंत नाईक आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में, वेदांत रंबल प्रतियोगिता में, आरोंदा से बिलोंग करते हैं, काफ़ी जो कि अच्छे मैकेनिकल भी, टीवी मैकेनिकल भी, साथ साथ अच्छे इंसान भी, और मराठी में बीच बीच में समालोचन भी करते हैं, ये काफ़ी बार हमने इनके साथ बहुत समालोचन किया है। मतलब भाई अब यहाँ से एक शॉट तलाश करना पड़ेगा मैच में। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। अब आप पर यह सवाल रहेगा प्रवीण, पावर प्ले का ओवर था, शायद सचिन बंगाड़े था उनके पास, उस वक्त सचिन बंगाड़े को गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, ये सोच रहेगी सामने। लेकिन ओवरसीज खिलाड़ी विल्सन था विनोद, शायद ये भी कहीं पर भी कारण रहेगा मैच में। फिर एक बार सचिन इस ओवर में फिर एक बार एक नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, गेंद थोड़ी सी हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खड़े, गेंद को रोकते थ्रो करते, तब तक वक्त था एक रन लेने का, एक रन के साथ साथ रेवन नौ स्ट्राइक रेंड पर और टीम की टोटल एक रन से आगे बढ़ते हुए 66-66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 80-85 ये अच्छा टोटल मैच में रहेगा, एक शॉट इस ओवर में या फिर रुकना पड़ेगा इस खिलाड़ी को मैच में। बढ़िया शॉट, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल टाइमिंग बढ़िया, और मिड विकेट के बहुत ही दूर गेंद खेली 6 रन के लिए, एक बहुत ही उम्दा शॉट मैदान पर। और मैं पहले की इस शॉट की आवश्यकता थी रोहित पोर्ट वास्को टीम के हिसाब से देखा जाए तो, और टोटल स्कोर इस वक्त तब्दीली 72 पर पहुंचा मैदान पर, इनिंग का 7वां ओवर चलता, मतलब 10 रन रेट 10 रन प्रति ओवर मैच में बन रहे हैं, और एक ओवर आखिरी का 15-20 रन का 90 मैदान पर टोटल बनेगा। फिर से बढ़िया गेंद, बिल्कुल इस बार स्लोअर वन गेंद, थोड़ी सी तेज नहीं की, थोड़ी सी धीमी की, और कंधे का कुछ अतिरिक्त इस्तेमाल उतना नहीं किया जितना कि अमूमन करते हैं वो। गेंद डॉट निकली, गेंद ओवर तो लगभग समाप्त हुआ, और इस ओवर समाप्त के बाद 7 ओवर समाप्त, 72 पर पहुंचा मैच में टोटल मैदान पर। रोहित वास्को टीम पहले टॉस हारी मैदान पर, और इस वक्त वैष्णवी जो कि पंजिम टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है मैच में। अभी तक अंतिम गेंद और शायद अंतिम ओवर इस वक्त, मतलब अंतिम इस आज के इस दिन का मैच चल रहा है, और ये अंतिम जो कि पहला इस वक्त खेल बता तो आखिरी ओवर का, और शायद गेंदबाजी रहेगी मैच में फिर से जो कि विनोद विल्सन पर। बिल्कुल कृष्णा, गेंदबाजी ठीक ठाक थी 7वें ओवर में, एकमात्र गेंद जो कि थोड़ी सी ओवर पिच लेन की गेंद होगी सचिन की, उसके बावजूद बाकी 5 गेंदें बिल्कुल ठीक ठाक, एक छक्का लगा उस ओवर में, और अंतिम ओवर का खेल जो कि विनोद विल्सन गेंदबाजी के मोर्चे पर। बात आपकी सही थी, क्या होता है कि एकाध ओवर अच्छा हो जाता है लेकिन एकाध ओवर एकाध गेंद खराब हो भी जाती है, लेकिन भाई अच्छी गेंदबाजी के जिस ओवर में 15-20 रन निकलने थे और उस ओवर में शायद सचिन के सिर्फ 8 रन निकले, मतलब छक्का मारकर भी उतना कोई नुकसान नहीं हुआ मैच में। बढ़िया शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, इस बार हवा में, और यह बिल्कुल फील्डर रोहित के हाथ से कैच, साहिल के हाथ से कैच छूटा हुआ। भाई पहले अगर ये कैच आपने देखा ना शॉट्स कर लेग पर बैकफुट पॉइंट पर, जो कि इस वक्त शेरे बहादुर का एक हाथ से, अरे वो कैच देखने के बाद इस कैच पर भाई मैं भी सहमति दूंगा कि ये कैच बनना था, लेकिन भाई क्रिकेट है ये, और क्रिकेट में ऐसे हादसे बहुत बार होते हैं, और उनमें से ये हादसा था भाई, रोहित शर्मा का कैच ना छूटा तो भाई 260 की लगभग बारी वो भी देखने को भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिलती और दर्शकों को भी।
इस बार रिवर्स का शॉट नाटकीय परिवर्तन का, पहले दो चौवे उस रिवर्स पर मार चुके हैं रेमन, जो कि अच्छे विकेट के बीच में दौड़ते लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए, और इस अच्छी फील्डिंग का फायदा यह हुआ कि 75 पर पहुंचा मैच में टोटल 4 गेंदे, और इस खिलाड़ी रूपेश आजगांवकर को कम से कम 2 शॉट मैदान पर मारने पड़ेंगे एक रोहित पोर्ट्स वास्को टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने के लिए। स्लोर वन गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल छकाया तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाई पहला रन बहुत है फिर से, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर साहिल आते हुए तब तक 2 रन निकले, और 77 ये समाधान तारक स्कोर है मैदान पर, ऐसा नहीं क्या है नहीं, लेकिन अगर उसमें 5-6 रन और जोड़े जाए ना तो 80 एक फाइटिंग टोटल रहेगा मैच में। इस स्कोर के साथ आप लड़ सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए आपको 80 चाहिए मैदान पर भाई प्रवीण, ये मेरा निजी मानना है मैदान पर। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और ये देखिए दौड़ने का प्रयास, और ये शायद रनआउट का विकेट मिलेगा मैच में। अब मोहन भाई राजेश को पता ही नहीं था, उन्होंने लगाया, ये होता है बहुत बार ऐसे फ्री हिट पर कुछ कैच खिलाड़ी कैच लपकते हैं भाई, आगाज करते हैं भाई आउट होने का, लेकिन बात में पता होता है कि भाई ये फ्री हिट थी, ये होता है ऐसा क्रिकेट में। शायद राजेश का सही था, क्योंकि आप अगर नहीं लगाते तो शायद बल्लेबाज दौड़ रहे थे रन के लिए। वाव शॉट भाई, अच्छा था, हवा में था, लेकिन कम से कम 2 रन देता जाएगा ये शॉट, कॉल अच्छा, और जब तक सचिन बंगारे आते स्क्रीन पर, चित्रा के हाथों में जो कि थ्रो निकल पाता, बैकअप जो कि ठीक ठाक, इन 2 रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंची 79 पर। प्रवीण 80 का हमने टोटल बताया था भाई, हमारे मुंह से भाई, हमारे मुंह से हर बात सच होती है ऐसा कुछ नहीं है, हम ये बता रहे हैं, सिर्फ बताया था भाई, बिल्कुल अंदाज था 80 तलक पहुंचेगी, और ये शॉट आपको लगभग 85 तलक पहुंचेगा, मतलब 85 आप जीतने के लिए अच्छा टारगेट सामने रहेगा, लेकिन इस शॉट को आपको रोकना पड़ेगा मैदान पर। शॉट गेंद, पुल जरूर किया, लेकिन यह भी 2 रन देती जाएगी गेंद, काफी देर तक गेंद हवा में है, शायद आराम से मौका, थ्रो देखे कितना रॉकेट की तरह, लेकिन भाई ये रॉकेट छूटा तो सीटा सीधा चित्रा कहते में, लेकिन चित्रा उसे संभाल पाते, दूसरा रन लपलप की अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर, नॉट आउट की, लगभग 81 पर पहुंचा मैच में टोटल, और 82 जो कि वेस्ट पंजी टीम को जीतने के लिए पड़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बारी इस वक्त रेमंड की, और क्या बल्लेबाजी में उनका विशेषण स्कोरर, 33 रन बनाए भाई, वास्को टीम स्वागत करो इस खिलाड़ी का, 33 रन उन 80 रनों के जवाब में मैदान पर, एक खूबसूरत बल्लेबाजी जो कि मैच में।
देखना है कि बड़ा टोटल उनके सामने और उस बड़ा टोटल को लेके हर ओवर में आपको 10 से 11 रन जो कि बनाने होंगे और यही रन रेट लेकर देखना है किस तरह से शुरुआत होगी वैष्णवी पंजिम क्रिकेट टीम के। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ और शायद पावर प्ले के इस पहले ओवर में शुरुआत में गेंदबाजी का मोर्चा जो कि इस वक्त रुपेश आजगांवकर संभालता हुआ सामने जो कि इस वक्त इनिंग छोड़ने का इशारा अंपायरों का जो कि मैच में सामने इस वक्त विनोद विल्सन मैदान पर और दूसरे ओर से देखा जाए तो भाई यहाँ पर सचिन बंगारे बिल्कुल प्रवीण मैच में कांटे की टक्कर है ये। उतना नहीं है बचा कद बिल्कुल बड़ा और भाई जहां पर कम से कम 26-28 जो कि आप दौड़ेंगे तो वो कम से कम 20-22 मतलब दो चार का फर्क रहेगा इतना कद बड़ा है उनका और बहुत कम बार दिखा है इस खिलाड़ी को रन आउट होते हुए मतलब बहुत बढ़िया विकेट के बीच में दौड़ा इस खिलाड़ी की। ऑफ स्टंप पर कट किया गेंद को पॉइंट पर हवा में रखा और जब तक कॉल अच्छा बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग वहां पर नहीं कहूंगा जहां पर एक रन था वहां पर दूसरा निकला और दो रन के साथ साथ स्क्वायर लेग से एगी को देखिए बहुत बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुए देखिए एक एक रन बहुत बहुमूल्य रहेगा इस मैदान पर। प्रवीण एगी भी आज मैदान पर खेल रहे हैं सुबह के माहौल में उन्होंने गेंदबाजी की एक खूबसूरत गेंदबाजी और शायद इस वक्त हालात यह है कि भाई टोटल 4 पर पहुंचा 82 का पीछा करते इस मैच में। शॉट गेंद पिल किया उस गेंद को और फाइनल एक सीमा रेखा से बहुत दूर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए एक कमजोर गेंद एक खराब गेंद और महेश मैडी जो कि अब लाइनमैन की भूमिका में महेश मैडी स्वागत आपका फिर से इस प्रतियोगिता में। कदम का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास मैदान पर शायद जानते थे कि प्रणव बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर खड़ा है ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट काफी दूर खड़ा है तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास था शायद स्लिम डाउन के लॉन्ग ऑन पर शायद ये सोच जरूर थी जो कि विनोद विल्सन की लेकिन गेंदबाजी भी बिल्कुल तगड़ी एक तेज गेंदबाजी बिल्कुल छकाया गेंद को और वापस मोर्चे पर चलते हुए इस बार पैड पर लगी गेंद और एक जोरदार अपील लेकिन न्यायपालिका का वहां पर इनकार आता हुआ और यहां पर बहुत अच्छी जो कि गेंदबाजी मैं कहूंगा पैर पर लगी थी गेंद और कहीं पर भी बहुत बढ़िया अपील किया उन्होंने शायद उनको यकीनन था गेंदबाज को कि शायद जोरदार अपील था ये लेकिन बिल्कुल विल्सन बिल्कुल तैयार थे इस रन के लिए लेकिन जब देखा बाद में नॉस्टैग एंड से दौड़ने के लिए भाई इनकार कर दिया वहां पर रन गति रुकी वहां पर टोटल अप मात्र कुछ बातचीत हुई शायद ये बातचीत रहेगी मैच में कि पहले और पहला ओवर चल रहे 8 रन अब निकल चुके इक्का दुक्का बनाकर स्ट्राइक को रोटेट करो ये सोच रहेगी मैच में मैदान पर। शॉट गेंद पुल जरूर किया गेंद को स्क्वायर लेग और बिल्कुल फाइनल के बिल्कुल एगी जब तक उस गेंद को रोकने का प्रयास करते गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार निकलती हुई 4 रनों के लिए यह अच्छा ओवर जबकि वैष्णवी
पहला ओवर समाप्त, लगभग मैच में एक अच्छी वापसी गेंद बल्लेबाजी की, 12 पर पहुंचा मैच में टोटल मैदान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अब मात्र नया गेंदबाज मैदान पर। इस बार बढ़िया गेंद, परेश जो की गेंदबाजी के मोर्चे पर मैदान पर। बिल्कुल पहले मैच में पहले ओवर की शुरुआत की थी परेश ने, अब शायद तो थोड़ा सा फिर बदल वहां पर डॉट गेंद के साथ शुरुआत परेश की। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत खूबसूरत डॉट गेंद, प्रेशर बनाती जा रही है मैदान पर। ओवर प्ले का ओवर दूसरा चल रहा है मैदान पर, और प्रवीण कौटनकर जो मुकाबला इस वक्त चल रहा है भाई टू ढाई का ये, क्योंकि दोनों के हिसाब से इस वक्त जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में सीधा प्रवेश करेगा। वापस खेल बनता हुआ, शॉट गेंद पुल किया और ऑन ड्राइव का एक खूबसूरत शॉट। भाई कद भी उतना बड़ा है उनका, उतनी कोई खराब नहीं थी गेंद, लेकिन ताकत और टाइमिंग उन दोनों का दोहरा मिलाप मैदान पर, नाम था उस शॉट का भाई सचिन बंगारे, बहुत खूबसूरत। फिर से कट किया गया इनको कवर बाउंड्री पर, एक खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा को सीमा रेखा से, दो खिलाड़ियों के बिल्कुल गैप में और टोटल स्कोरबोर्ड पर तब्दीली। बढ़िया क्रिकेट, हल्का से पुश किया गेंद को, एक उम्दा टाइमिंग, फील्डर उसके पीछे और हेमंत जब तक उस गेंद को रोक पाएंगे, लगभग दूसरे के लिए कॉल करते हो, तीसरा रन भी लगभग पूरा, तीसरा रन निकलता हुआ इस प्रतियोगिता में, शायद पहली मरतबा ऐसा देखा भाई, तीन रन निकल कर दौड़ कर निकाले गए मैच में, और इन तीन रन के साथ साथ रन गति पहुंची जबकि 25 यह हालात मैदान पर, मतलब 25 पर, और पावर प्ले का ओवर पहला समाप्त, दूसरा ओवर चलता हुआ इस वक्त परेश के रूप में, और प्रारंभिक जोड़ी 82 का इस वक्त मैच में वापसी करने का प्रयास मैदान पर, रोकने का प्रयास रोहित स्पोर्ट वास्को का। इस बार बढ़िया शॉट, कनेक्शन बिल्कुल खराब निकला और हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और पहला विकेट निकला जबकि इस वक्त हॉर्सेस खिलाड़ी का, जिस खिलाड़ी पर काफी ज्यादा जोर था वो थोड़ी सी जल्दबाजी करता हुआ मैदान पर, और दो ओवर समाप्त। जो कि विनोद विल्सन वापस जाते हुए उनकी जगह किरण आते हुए, तो नए गेंदबाज हेमंत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है किरण, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए
कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए यहाँ पे हेमंत निकला हुआ सामने है। किरण एक हार्ड हिटर बल्लेबाज बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद सही से बल्ले पे नहीं आई तो स्कोर वही रुका हुआ 25 रन पर, एक विकेट के नुकसान पर। 82 रन का पीछा करते हुए शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की यहाँ पे सचिन ने और विल्सन ने, जो शुरुआत की जरूरत थी पावर प्ले के ओवर में वो शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए किरण अपनी टीम के लिए। तो व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा अति रन खाते में जमा होता, स्कोर बनता हुआ 26 रन पर। बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ साइड में खेल के निकाला, फील्डर वहां पे मौजूद। तो एक रन के साथ संतु, एक रन के साथ स्कोर बनता हुआ 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अभी तक बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूंगा यहाँ पे वैष्णवी 11 पंजीम की टीम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। सचिन अभी तक मौजूद है क्रीज पर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे, देखना होगा इस मैच में क्या करते हैं। कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए यहाँ पे हेमंत सीढ़ी में ड्रॉप पर लल्ला को लाते हुए यहाँ पे हेमंत तो फिर से सामने है सचिन, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद में कहूंगा रनआउट का मौका वहां पे, किरण डॉट पर है वहां पे रनआउट का मौका, खराब फील्डिंग में कहूंगा वहां पे हेमंत की खराब फील्डिंग में कहूंगा, एक मौका था आसान सा, बाई का इशारा था अंपायर द्वारा, क्या कहेंगे प्रवीण इस बारे में? बिल्कुल मौका था और अगर किरण का विकेट लेते तो निश्चित रूप से प्रकाश एक बड़ा विकेट उनके लिए होता, शायद खिलाड़ी के लिए थोड़ी सी परेशानी मैदान के बीच में। मौका था, किरण काफी आगे निकले थे और वक्त था, समय था आराम के साथ उनको रन आउट करने का। हेमंत सेडगांवकर गेंद को लपकने से चूके, नतीजा एक रन का फासला तय करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो यहाँ पे प्लेयर को चोट लगी है लेकिन प्रवीण एक आसान सा मौका था एक रनआउट का, किरण जो कि वापस जा सकते थे, एक आसान मौका था। जीवदान का कितना फायदा उठाते किरण वो देखना होगा अभी इस मैच में। शायद लगते हैं बहुत गंभीर चोट है खिलाड़ी को। कृष्णा क्या कहेंगे इस रनआउट के बारे में? मौका था ना, एक आसान सा मौका गवा दिया यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात थी कि भाई फील्डर जहां पर बाल फील्ड कर रहा था बहुत, वहां से भाई घूमकर कुछ ज्यादा समय नहीं था लेकिन अच्छा थ्रो था वहां पर। अब किस स्थिति में वहां पर हेमंत सेडवाकर को चूका वो तो हेमंत ही बताएगा लेकिन मौका था क्योंकि पता था कि सचिन काफी, किरण काफी आगे निकल चुके थे लेकिन अब यहां से लग रहा है कि पल भर के लिए मैच रुक चुका है। जब थ्रो किया था तभी वो परेशानी में थे लेकिन भाई उतनी परेशानी भी भाई टीम के हित में प्रकाश सोचा, ये सबसे अच्छी बात थी खिलाड़ी की। मैं गुजारिश करता हूं अंपायरों को जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए।
प्रकाश थोड़ा देर तो लगेगा मैच में क्योंकि थोड़ी सी तकल्लुफ जरूर है इस खिलाड़ी को, शायद 5 मिनट अंपायरों को भी हम दे सकते हैं क्योंकि मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही बड़ा है इस मैच में, और शायद 1-2 मिनट अगर खर्च भी हो जाएंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकाश बात आपकी सही थी लेकिन शायद अंपायर ने इशारा कर दिया कि अगर आप चेंज करना चाहते तो प्लेयर कर सकते हैं, ये कुछ बात हुई होगी मेरे अंदर से शायद, या फिर भाई प्लेयर ने कहा होगा कि अब मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ और जितना भी ठीक हूँ ना टीम के हित के लिए वो काफ़ी रहेगा। कृष्णा अब देखना होगा जुदान का कितना फायदा उठाते यहाँ पे किरण अपने टीम के लिए एक बड़ा। अब मैं ये कहूँगा कि जीवन दान के बारे में जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना बिल्कुल इस वक्त हेमंत शेडगांवकर, उससे भला उस बात को कौन जानेगा, पहले मैच में 5 रन पर आउट था उसके बाद 41 रन बनाए, उससे बड़ी तो बात और प्रतियोगिता में किसी को पता ही नहीं होगी मेरा अंदाज। फुल टॉस गेंद लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर बनता हुआ। रन हो चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर एक फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम हुआ वहां पे, खराब गेंद थी उसका फायदा उठाना चाहिए था। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए सचिन बंगारी अपनी टीम के लिए, तो हेमंत उनके सामने है गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे, उतनी अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, रनों का मौका फिर से लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो, उतनी अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा यहां पे। अब बिल्कुल रुपेश वहां पर आजगांवकर फील्डर था, बहुत अच्छा फील्डिंग, 3 रन जरूर रोके, अच्छा थ्रो भी किया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस मैदान पर रोहित स्पोर्ट वास्को टीम को एक विकेट चाहिए, ये विकेट मैच में काम करेगी और शायद दूसरे ओर से देखा जाए वैष्णवी टीम पणजी के हिसाब से ये जोड़ी जब तक तय खेलेगी ना भाई परेशानी अपने आप सामने वालों पर आएगी। तो यहाँ पे 2 ओवरों का खेल खत्म, माफ कीजिए 3 ओवरों का खेल खत्म, स्कोर बन चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल बताएंगे कृष्णा जी। वापस मैदान पर इस वक्त गेंदबाज के मोर्चे पर फिर से जबकि प्रवीण परेश मैदान पर, परेश का पहला ओवर लगभग थोड़ा सा खर्चीला 13 रन पर एक विकेट चटकाई और शायद एगी ने कुछ कान मंत्र दिया और कहा कि भाई और एक विकेट चाहिए ये जोड़ी, हम बात कर रहे हैं भाई मुंडेश्वर के मैदान पर प्रवीण कोटरकर मुंबई वालों को धूल चटा दी इसी जोड़ी ने भाई, बेदर्दी से मारा उनको भाई घसीट घसीट कर, मतलब इतनी बड़ी बल्लेबाजी इन दोनों ने की थी और ये आज भी वही जोड़ी सामने मैदान पर। शॉटगन पुल किया, एक आक्रामक जो कि रवैया अपनाते हुए बंगारे और फिर से महेश मैडी जो के स्क्रीन पर 6 रन के लिए। भाई कद बिल्कुल बड़ा पोलार्ड की तरह और भाई जंगली ताकत शरीर में, और ये ताकत भाई इस ताकत का परिणाम देखिए भाई, पहली गेंद ऑन ड्राइव का शॉट बिल्कुल कैमरामैन के लगभग करीब से गेंद गुजरी और ये तो शॉट भाई मिड विकेट पर भाई जहां पर हमारी नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां पर मैडी जहां पर भाई कार्य कर रहे हैं लाइनमैन की भूमिका में। बढ़िया गेंद भाई, लाइनमैन तो नहीं कहूंगा मैडी को क्योंकि मैडी एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन क्या होता है वहां पर जो मैडी मैच का लुफ्त उठा, लेग बाइस के रूप में इशारा, वो लुफ्त उठा रहा है इस मैच का महेश जो कि बैट कर वो इस गेंद को वापस करते हुए। अब भाई बिल्कुल वहां से बहुत से लोग हैं, विनोद है, अनिकेत है, संदीप है, मतलब बहुत से लोग कोरगांव के भाई, उनको पहले प्यार भरा नमस्कार। खेल बनेगा इस मैदान पर जबकि 82 का फासला तय करने के लिए 37 पर।
नो बॉल का इशारा, हवा में शॉट और शायद ये मौका, और ये नो का इशारा का मतलब है कि भाई फ्री हिट का जो के संकट मैदान पर, दो रन निकलेंगे। और भाई नो का इशारा इसका मतलब आप समझ जाइए, सामने भाई एक बिल्कुल जंगली ताकत जिस खिलाड़ी के शरीर में, वो बिल्कुल ऊंचे कद का सचिन बंगारे मैदान पर। और भाई प्रवीण जब सचिन बंगारे सामने होना और फ्री हिट का मौका, भाई शेर और भाई बकरी के बीच में जो लड़ाई होती है वो अमूमन होती है उस अंदाज में रहता है ये खेल, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर बचना है तो शायद इस खिलाड़ी को डॉट गेंद निकालनी पड़ेगी, और शायद अगर डॉट गेंद ना निकले छक्का निकले तो मैं कहूँगा इस मैच में ये बोनस रहेगा, क्योंकि जिस तरह से केलवाड़ा फ्रेंडशिप चैन टीम जो कि जीती आरोना के सामने, उसी ओवर में लगभग दो फ्री हिट के मौके आए और दो फ्री हिट के मौके पर दो छक्के मारे गए, नहीं बिल्कुल बच गए और ये नहीं बचेंगे भाई, फिर से ही बच गए भाई, विकेट कीपर भाई फिर से उसी अंदाज में गिरा, लेकिन भाई 110 दूंगा, जख्मी शेर है लेकिन भाई लड़ना नहीं भूला विकेट कीपर, बहुत बढ़िया काम। अब लगा कि भाई किरण काफी वापस नहीं सोचते, लेकिन भाई किस्मत फिर से साथ दे गई फ्री हिट पर, ये भाई सरल अवसर, कृष्णा तीन बार साथ दे गई यहाँ पे, पहली बार रनआउट बच गए, उसके बाद कैच पकड़ा लेकिन नो बॉल हुआ, और अभी अपनी पीठ पर ये गेंद, ये तो पीठ पर लगी नहीं भाई, मारी नहीं गई, वो तो लगी दौड़ते हुए, ये होता है खेल में। इस बार बढ़िया गेंद विकेट के पीछे, लेग स्लिप पर बढ़िया काम वहां पर मैदान पर, रन रोके वहां पर, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी अब वापसी परेश द्वारा, क्योंकि फ्री हिट टी सचिन बंगारे सामने थे, और भाई एक बड़ा खिलाड़ी जब सामने होना तो एक प्रेशर रहता है फ्री हिट पर, लेकिन उस प्रेशर को अपने टीम में बिल्कुल आने की जगह ना दी और वापस टीम में हित में गेंदबाजी, लेकिन विकेट चाहिए मैच में। रोहित स्पोर्ट वास्को टीम को एक विकेट, और इस खिलाड़ी का विकेट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर। शॉर्ट गेंद पटकी हुई और हवाई फायर, और फाइन लेग सीमा रेखा से भाई दूर गेंद निकल चुकी, अब न्यायपालिका क्या कहेगी। काफी थकावट महसूस की, थोड़ा सा पानी भी पिया एक चौवा मारने के बाद, शायद राहत की सांस ली, कुछ ग्राउंड मीटिंग हुई और वापस खेल बनेगा। 43 पर पहुंचा मैच में 82 का पीछा करती भी, आधा टोटल इस वक्त पूरा हो चुका है, पहले चार ओवर का खेल अभी भी चल रहा है मैदान पर, और सामने सचिन मैदान पर इस वक्त। बढ़िया शॉट हवा में, कैच ऑफ द भाई मैच था ये भाई, लल्ला भाई आप हल्के से बिल्कुल चुके, बिल्कुल पहुंच ही चुके थे लगा यहाँ पर, लेकिन भाई गेंद उन तक नहीं पहुंची, ये किस्मत साथ दे गई सचिन का भाई, किरण को तीन सचिन को एक, ये जीवनदान ही कहूँगा भाई, ये जीवनदान नहीं, ये भाई मैच विनिंग का कैच था आपका। और अब 24 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ, और 24 गेंदों में जीत से पीछे लगभग 38 रनों की आवश्यकता मैदान पर 24 गेंदों पर। हेलो परतून पानी घेऊन येऊपाचे ना ग्राउंडाचेर, ओवर सोपल्या उपरांत चार ओवर जाल्या उपरांत पानी घेऊन वचपाचे, मदीं धांवपाचे ना। अर्थीस रन की आवश्यकता मैदान पर, हेमंत शेडगावकर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर। आज शायद तो मैच में कुछ भी करो, एक विकेट लो, तीन बार जो कि किरण, एक बार जो कि सचिन बंगारे बच चुका है भाई, अब भाई शायद विकेट ही बचाएंगे आपको मैच में। अब स्टंप के बाहर शायद रन ना निकले तो कोई नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि रनआउट का विकेट निकलेगा तो भाई नुकसान रहेगा मैच में, लेकिन जिस तरह से हेमंत शेडगांवकर ने वो रनआउट का मौका छोड़ा
भाई छोड़ा या छूटा ये तो वक्त को पता था, लेकिन यहां से लगा भाई छोड़ा मौका। बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, जहां पर प्रणव पूर जाते स्क्रीन के सामने गेंद को उठा पाते। एक रन के साथ साथ रनगति मैदान पर 37 पर, अब जीत से फासला पीछे, अंतिम 22 गेंदों का खेल बचा हुआ, लेकिन ये जोड़ी मैदान पर है, 9 विकेट हाथों में है, ये प्रेशर रहेगा वास्को टीम पर, रोहित स्पोर्ट टीम वास्को। इस प्रेशर से आपको मैच को हटाना है तो भाई 2 विकेट चाहिए, हेमंत शेडगांवकर को विकेट निकालने ही पड़ेंगे, अन्यथा वापस मैच संकट में। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट कवर बाउंड्री पर, जहां पर एगी जो कि आग्नेल मैदान पर फील्ड करते हुए, आज एक अच्छा कैच भी लपका मैदान पर। अब 36 रन की आवश्यकता मैच से जिससे पीछे मैदान पर, और शायद मेरा भाई निजी तो मानना ये रहेगा प्रवीण, अगर सचिन बंगारे अभी तक आखिरी 7वें ओवर तक रुका तो भाई मैच नहीं रुकेगा, मैच बिल्कुल रोहित स्पोर्ट की तरफ से भाई छूटेगा ये, तो इससे अच्छा ये है कि भाई इस वक्त इस खिलाड़ी का विकेट आपको लेना पड़ेगा और सचिन को शायद रुकना पड़ेगा मैदान पर। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर भाई गोली के रफ्तार से गेंद निकली, बहुत तेज निकली, सचिन बंगारे आधे पिच पर थे तब जाकर गेंद लॉन्ग ऑन पर शेरे बहादुर के हाथों में टकराई, मतलब सोचिए कि भाई अगर ये गेंद गैप में निकलती तो दर्शक बनकर इस गेंद को लाना पड़ता, लेकिन एक रन के साथ अब आवश्यकता मैदान पर 35 रनों की मैच में। इस ओवर के बाद एक बैटिंग चेस पावर प्ले का ओवर बचा है तो भाई मैच बिल्कुल काफी बचा है मैदान पर। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, बढ़िया पॉइंट पर मौका, शायद ये कैच नहीं बनेगा, लेकिन कैच नहीं बनेगा, लेकिन तब तक भाई चौवा जरूर बनेगा, 4 रन के लिए गेंद मैदान पर। आ 31 रन चाहिए किरण मैच में, इसके बाद 3 ओवरों का खेल बचा, 1 पावर प्ले का ओवर बचा है। बढ़िया शॉट, फिर से लॉन्ग ऑफ सी मारेगा पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर शेरे बहादुर की, और शायद उतनी अच्छी थ्रो मैदान पर, तारीफ करनी पड़ेगी ग्राउंड फील्डिंग की रोहित वास्को टीम की। अब अंतिम खेल 18 गेंदों का, 10 रन जीत से पीछे, प्रति ओवर लगभग 30 रन बनाने पड़ेंगे और 9 विकेट हाथों में। अब प्रवीण जब 9 विकेट हाथों में रहते हैं ना तो सामने वालों पर प्रेशर रहता है, टीम में भाई मुंह से लेकर पूछ तलक बल्लेबाजी शेष बची है और शायद एक भी उनमें से खेला तो भाई सामने वालों का काम तमाम, लेकिन रोहित स्पोर्ट वास्को टीम को सबसे बढ़िया पहले इस साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा। स्कोरर भाई कितनी साझेदारी इस जोड़ी के बीच में मैदान पर, 27 रनों की साझेदारी इस जोड़ी के बीच में मैदान पर, एक लाजवाब बचत, 3 और बचे हैं अब 30 की आवश्यकता, और प्रणव पोजी कप्तान का भी ओवर बचा है मैदान पर, शायद अब एक ओवर रुपेश का बचा है, मतलब कहीं ना कहीं जो कि शेरे बहादुर ओवर कर सकते, लल्ला यादव ओवर कर सकते, मतलब बॉलिंग है पीछे लपलप, मतलब भाई जो कि रेवन जिन्होंने आज बल्लेबाजी अच्छी की, वो भी बल्लेबाजी गेंदबाजी कर सकते, मतलब काफी ऑप्शन है उनके पास गेंदबाजी के, और बीच में एगी भी है पार्ट टाइमर। अठरा चेंडू तब्बल 30 थमाचे येतात गरज सामना जिंकण्यासाठी वैष्णवी पणजी संघाला, और लल्ला मोर्चे पर गेंदबाजी के, मैच बिल्कुल काटे की टक्कर का भाई, काटे की टक्कर, सेमीफाइनल में जो टीम पहुंचेगी ये जो कि निश्चितकरण करने वाला ये मुकाबला मैदान पर। बढ़िया शॉट, हवाई फायर, ओहो भाई सूरज आंखों के सामने है, और नहीं भाई इस बार तो आउट। अब भाई कितनी देर बचोगे, तीसरी बार बचे, चौथी बार।
शायद गेंद को चेक किया जा रहा है प्रवीण, अगर अब भी बचे ना तो मेहरबान, ये मैच रोहित वास्को टीम के लिए। शायद गेंद को मंगाया जा रहा है अंपायर की तरफ से। ओके अंपायर, प्रवीण क्या हुआ यहाँ पर नाटकीय परिवर्तन? भाई गेंद फूटी है तो शायद न्यायपालिका ही बताएगी अगला निर्णय क्या होगा उनका। दीपक धुरी आउट। हाँ ओके, किरण जो क्या आउट मैदान पर, शायद बिल्कुल वापस खेल बनेगा मैदान पर। अंतिम 30 रन की आवश्यकता, कहीं ना कहीं वास्को टीम राहत की सांस लेती हुई, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस पार्टनरशिप को तोड़ने की। 27 रनों की पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में टूटी मैदान पर, लेकिन ये 27 रन की पार्टनरशिप वैष्णवी पंजीम टीम को लगभग बहुत फर्क कर बैठी, और ये इतना फर्क कर बैठी कि अब 17 गेंदे 30 रन। ऑप्टम के बाहर, शायद विकेट कीपर तकलीफ में जरूर है, लेकिन वाइट के साथ इशारा आता हुआ एक रन का। और विकेट कीपर को देखिए भाई, दौड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई टीम के हित में। आपने एक मैच देखा होगा केदार जाधव का, बिल्कुल वो तो बिल्कुल मारना भी उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो तब तक खेले। इस बार बढ़िया शॉट हवा में, लेकिन रन जरूर बनेंगे। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा एक रन के लिए, और पहली दो गेंदों पर दो रन निकले, 28 रन। अब आवश्यकता अंतिम 16 गेंदों पर मैच को जिससे पीछे। वापस खेल बनेगा लल्ला जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब राजेश मैदान पर, राजेश गोसावी मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। ये भी एक उम्दा खिलाड़ी है, और ये भी एक आक्रमण ही करने के लिए माहिर है। बढ़िया गेंद, बिल्कुल कुछ भी समझ में आया गेंद, पर क्या हुआ वहां पर। 28 की आवश्यकता मैदान पर, कहीं ना कहीं रोहित वास्को टीम वापसी करती मैदान पर, और ये कहीं ना कहीं वापसी मैच में शायद वैष्णवी पंजीम टीम को प्रेशर बनाएगी मैदान पर। दोनों टीमों के पास मौके हैं मैच को वापसी करने के, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं तो एक शॉट प्रति ओवर मारना ही पड़ेगा। इस बार बढ़िया शॉट, कनेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक, और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाहर गेंद 6 रन के लिए। इस बार फ्लाइट कर बैठे लल्ला, और ये छक्का मैच में फिर से भाई इस टीम को वापसी करता हुआ। राजेश अपने छक्के के साथ खाता खोलते हुए, और 22 रन की आवश्यकता मैदान पर। इस ओवर के बाद दो ओवरों का खेल बचा हुआ मैदान पर, मतलब बैटिंग जस्ट पावर प्ले का ओवर भी बचा है, बहुत कुछ नाटक बचा है मैदान पर, क्योंकि वास्को टीम चाहती है एक विकेट। ऑप्टम पर कट किया गेंद को, पॉइंट के बगल से निकली गेंद, कवर पॉइंट का खिलाड़ी पहले दौड़कर आया, तेज रन निकला एक सिंगल के साथ, कॉल अच्छा हुआ। और यहां पर लल्ला जो कि 9 रन खर्च अभी तक कर चुके हैं मैच में इस वक्त, और शायद 21 रनों की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। इन 9 रनों में लगभग एक छक्का, दो सिंगल, एक वाइड के साथ और एक विकेट, ये बहुत कुछ नाटकीय परिवर्तन। एक ओवर रूपेश का भी बचा है मैच में, रुपेश के ऑफसेस खिलाड़ी है कवर बाउंड्री पर माइक्रोफोन के सामने। इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल छकाया गेंद ने, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। 9 रनों का और लल्ला का समाप्त हुआ मैच में, और अब 12 गेंदे और जीत से पीछे 21 रनों की आवश्यकता, 21 टू विन 12 गेंदों पर मैदान पर, और 8 विकेट जबकि हाथों में मैच में।
अब भाई सातवां ओवर इसका मतलब है कि कंपलसरी पावर प्ले रहेगा मैच में। और राजेश जो कि स्ट्राइक पर अपने निजी 7 रन पर मैदान पर, और शायद सचिन बंगारे जो कि एक आक्रामक खिलाड़ी मैदान पर, इक्का दुक्का बीच बीच में बड़े भाई, एक छक्का, 2 छक्के 2 चौवे मैदान पर 28 रन पर, और 21 रन की अब आवश्यकता राजेश जो कि स्ट्राइक पर गेंद बल्लेबाजी पर, और जो कि रुपेश आजगांवकर अब मात्र गेंदबाजी, जिन्होंने पहला स्पेल डाला जबकि 12 रन खर्च किए, जो कि 2 चौवे खाए मैदान पर, और ये उनका गेंदबाजी का विश्लेषण कोई सफल था नहीं उनके हाथों में, लेकिन अब ये दूसरा अंतिम स्पेल उनका, और बचाने पड़ेंगे 21 रन अंतिम 12 गेंदों पर। फुल टॉस गेंद हवा में रखा, गेंद को लल्ला वहां पर, और भाई बहुत बढ़िया कैच, और राजेश की बारी लगभग समाप्त मैदान पर, काम कर गया ये खिलाड़ी मैदान मैच में। ग्यारह गेंदे 21 रन मैदान पर, कहीं ना कहीं ये फाइटिंग का मुकाबला दोनों टीमों के पास बिल्कुल भरी पूरी बल्लेबाजी है भाई, बात में भी पीछे से आकर भी बल्लेबाजी कर सकती इतनी क्षमता मैदान पर। अब मैदान पर साहिल नया बल्लेबाज, आज इस मैदान पर एक बेस्ट कैच जिसने लिया इस पूरे आज के दिन पर सर्वाधिक अच्छा कैच, वो कैच लपकने वाला साहिल मैदान पर, लेकिन अभी भी शायद 21 रन की आवश्यकता, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन बंगारे मैदान पर। भाई रोहित स्पोर्ट जो कि वास्को टीम को पता है और एगी को भली भांति पता है इस विकेट की भाई कीमत क्या है भाई, ये विकेट इस सेमीफाइनल्स में जाने का रास्ता है ये, और इस रास्ते को आपको खोलना पड़ेगा। शॉट गेंद, करेक्ट शॉट था, इस बार कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, भाई कुछ नजाकत कुछ ताकत मैदान पर, और एक्स्ट्रा कवर पर भाई कोई खराब नहीं थी गेंद, बिल्कुल मैं कहूंगा कोई खराब नहीं, सिर्फ शॉट अच्छा था भाई, शॉट अच्छा, लाजवाब शॉट मैदान पर, और 17 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। राकेश पहली गेंद पर एक सफलता हासिल करता हूं रुपेश मैदान पर, और उसके बाद ताबड़तोड़ एक 4 खर्च करता हुआ, भाई मैं कहूंगा गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन शॉट भाई लाजवाब था वो। अब फील्डिंग में फिर से तब्दीली, 3 खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन, एक शॉट कवर बाउंड्री पर। हल्का सा अपील और आउट, विकेट निकला, जिस हम रात करें जिस रास्ते की, वो रास्ता लगभग बंद करते हुए इस वक्त पंजीम टीम का, जो कि वेस्ट पंजीम टीम का। अब अमूमन चाहिए 17 रन मैदान पर जिससे पीछे, और खेल बचा हुआ मैच में लगभग 9 गेंदों का मैच में, 9 गेंदे 17 रन, एक शॉट अनिवार्य, और सचिन बंगार लगभग 32 रनों की एक विस्फोटक बल्लेबाजी, बारी लगभग समाप्त, 2 छक्के शामिल उसमें, और लगभग मैदान पर 2 छक्के तीन चौवे मैदान पर। अब कृष्णा को भेजा गया आगे मैदान पर बल्लेबाजी पर, शायद साजू भी है कप्तान बल्लेबाजी के लिए, मतलब पीछे और एक खिलाड़ी है बैटिंग के लिए, और शायद विकेट कीपर चित्रा भी, वो बल्लेबाजी भी कर सकता है आक्रमण, मतलब बैटिंग है पीछे, लेकिन गेंदबाजों को सिर्फ 2 शॉट रोकने हैं, और बल्लेबाजों के पास भाई 9 गेंदे बची है मैदान पर। बहुत अच्छी वापसी लल्ला यादव का, एक बहुत खूबसूरत कैच लल्ला यादव का शॉट कवर पर लपकते हुए, उसके बाद सचिन बंगारे का जो कि विकेटों के सामने पाए गए। अब फील्डिंग में बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी पहले थी, 5 ऑफसाइड पर 4 ऑनसाइड पर, ये चक्रव्यूह मैदान पर, अब 4 ऑफसाइड पर 5 ऑनसाइड पर। हल्का सा अपील और यह भी आउट, बैक टू बैक 2 विकेट मैदान पर, और 8 गेंदे और 17 रन मैदान पर,
और शायद हम बात कर रहे थे भाई इस विकेट की हैट्रिक का मौका सुनहरा अवसर मैदान पर। पीयूष जो कि वांगणकर ने खास प्राइज रखा है इस हैट्रिक के लिए, 500 रुपए का नकद पुरस्कार, बैटिंग में छक्के की हैट्रिक के लिए, बल्लेबाजी में चौवे की हैट्रिक के लिए और गेंदबाजी में भाई विकेट हैट्रिक के लिए, कैच लेने को लो को 100 रुपए का नकद पुरस्कार और खेल अब 8 गेंदे और भाई 17 रन मैदान पर आवश्यक बनाने पड़ेंगे और टीम का अभी भी एक करता धरता खिलाड़ी पीछे है, अब नया खिलाड़ी मैदान पर विकी। जिस विकी ने आज गेंदबाजी में भाई बहारदार काम किया, सिर्फ बहारदार काम किया लेकिन बल्लेबाजी में उस बहारदार काम को संपन्न करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जिस ओवरसीज खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं राकेश आजगांवकर की, रुपेश आजगांवकर की, और रुपेश की एक काबिले तारीफ गेंदबाजी, जर्सी पहन रखी है भाई कोरगांव की जो कि टी20 प्रतियोगिता की, लेकिन आज उससे भी बड़ा काम मैदान पर इस वक्त मुकाबले में भाई, इस वक्त रोहित स्पोर्ट वास्को टीम को बिल्कुल अपनी सेमीफाइनल में थर्ड लगाने का एक प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कब तक चलेगा ये आने वाला समय और अंतिम 8 गेंदे बताएगी इस मैच में। अब नया दोनों ही बल्लेबाज सचिन बंगारे का विकेट विकेटों के सामने और साथ साथ दूसरा विकेट वो भी सामने, अब मैदान पर शायद संकट का घेरा, मैच में 5 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदे 17 रन मैदान पर। और ये भाई लेग स्टंप के बाहर रहेगा ये मानना शायद है, लेग बाइस के रूप में इशारा निकलता हुआ, हैट्रिक का मौका चुका, 16 रन की अब आवश्यकता मैदान पर, मैच को जिससे पेचित। एक नजर भाई थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आरोंदा टीम और जबकि मुकाबला हुआ था जबकि मैदान पर दौड़ामार के बीच में, तब आखिरी ओवर में 16 रन बचे थे और वो बनाए नहीं गए और शायद वो अभी तक का रिकॉर्ड है इस पूरे प्रतियोगिता का। लेकिन अब थोड़ा सा फेर बदल करते हैं भाई, जबकि जो कि अनिकेत देसाई की टीम ने भी उस वक्त अच्छी गेंदबाजी की और वो भी रन वहां पर आखिरी ओवर में नहीं खर्च किए, मतलब वो भी उनका इतिहास है। और दोनों ही टीमों ने भाई काम गेंदबाजी में अच्छा किया लेकिन दिन अलग और मैच अलग। बढ़िया शॉट हवा में जरूर रखा, शायद ये लगभग कैच छूट रहा ऐसा कुछ प्रतीत हुआ, लेकिन अच्छा ओवर मैदान पर एक बहुत अच्छा, मात्र 5 रन खर्च किए, एक चौवा और एक 2 विकेट मैदान पर, लोकल 3 विकेट मैदान पर निकाले गए और इस 3 विकेटों के नुकसान पर अप मैदान पर अंतिम 6 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता, मैच में जिससे पीछे। आखिरी की 6 गेंदे मैदान पर भाई, पूरे वास्को टीम का रथ चलाना पड़ेगा आपको, रोहित वास्को का बॉल, राजन बॉल, वेट वेट एक मिनट,
बिल्कुल बढ़िया मुकाबला मैच में, शायद कहीं ना कहीं ये मुकाबला अभी तक भाई संकट के घेरे में। 16 रन क्या हो सकता मैच को जिससे पीछे अंतिम 6 गेंदों का, और भाई खुद कप्तान नहीं गेंदबाजी के लिए शेर बहादुर को भेजा मैदान पर। भारी शेर का कलेजा इस खिलाड़ी का, ऐसे बहुत से मैचों में भाई इसने गेंदबाजी बखूबी की है, और लेखा जोखा बताओ ना प्रकाश, तो भाई शेर बहादुर इस ऐसे मैचों के लिए बहुत बार जाना जाता है। लेकिन 7 स्ट्राइक पर है विकी मैदान पर, और ये भी भाई वैष्णवी पंजीम टीम का गुणवान खिलाड़ी, और इसका भी रिकॉर्ड मैदान पर यही है कि भाई ये जब भी आखिरी मैच तक रुका है कभी भी वैष्णवी पंजी टीम हारी नहीं है। भाई दोनों के इतिहास है ही कुछ ऐसे, सिर्फ इतिहास गवाह है भाई, अब इतिहास को तोड़ा जाएगा या फिर तोड़कर जोड़ा जाएगा। शेर बहादुर मैदान पर, लेजर भाई तो वो तो बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी की थी, अब टेनिस में करनी पड़ेगी। शो स्लोगन हवा में, शेर बहादुर तेज दौड़ रहा है भाई, ये कैच नहीं बना लेकिन मैं कहूंगा भाई एक अच्छा प्रयास। और एगी को देखिए भाई, और थोड़ा सा खोल अच्छा, और एगी बिल्कुल चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट मैदान पर। आवश्यकता अंतिम 5 गेंदे और 14 रन के मैदान पर, खेल बिल्कुल कांटे की टक्कर का मैदान पर, के जिस रुपेश आजगांवकर ने जो गेंदबाजी की मैच में वापसी रोहित वास्को की, उस वापसी पर रोहित वास्को मैच जीतेगी, या फिर सचिन बांगारे की एक विस्फोटक बल्लेबाजी, 33 रनों के एक आक्रामक खेल, और उस 33 रनों के खेल ने मैच को करीब लाकर खड़ा कर दिया। वैष्णवी जो टीम पंजीम जीतेगी ये आने वाले अंतिम 5 गेंदे बताएगी मैच में। और बिल्कुल जड़ में गेंद ऑन साइड पर, फिर से बढ़िया शॉट, कॉल अच्छा, विकेट के बीच में दौड़ अच्छी, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है, अब नौ स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक दे दी रोहित, जो कि इस रोहित नहीं भाई इस वक्त जो कि साहिल मैदान पर। साहिल का इतिहास क्या बताओ भाई, जैसे कैच लिया ना वैसे कैच छोड़ा जो कि, और वो कैच छूटा उसके बाद तो ये मैच संकट में था, उसके बाद बिल्कुल शायद लपलप ने रन बनाए, और वो रन कहीं ना कहीं अब भाई मैच में महंगे। प्रेशर है दोनों टीमों पर, 13 की आवश्यकता मैदान पर अंतिम 4 गेंदों पर। भाई ये सेमीफाइनल के मुकाबले से कम नहीं मुकाबला, ये यही मुकाबला आज के दिन का भाई सबसे बेहतरीन रहेगा मैच में। इस बार बढ़िया गेंद हवा में, शायद 2 रन तो मिलेंगे, कॉल अच्छा, स्ट्राइक पर वापस साहिल चलेंगे, 2 रन भी काम करेंगे मैदान पर, क्योंकि अब 9-11 रन की आवश्यकता मैदान पर, अंतिम 3 गेंदों का खेल बचा हुआ, और यहां से एक शॉट मैदान पर चाहिए अन्यथा मैच संकट के घेरे में। तीन गेंदे 11 रन मैदान पर, मैच को जिससे पीछे शेर बहादुर, हल्का सा अपील मैदान पर, अब भाई दिल्ली बहुत ही संकट के घेरे में रहेगी, 2 गेंदे 2 शॉट मारने ही अनिवार्य, अन्यथा भाई ये मैच बिल्कुल मुश्किलों में खड़ा है, कि सचिन बंगारे की एक अच्छी बारी मैच को बिल्कुल बदल ना सकी, लेकिन अगर यहां पर ये शॉट बनते विकी के बल्ले से तो भाई मुकाबला बिल्कुल रोहित वास्को को बिल्कुल मुश्किल में करेगा। लल्ला 2 गेंदे और 10 रन, शेर बहादुर 2 गेंदे 10 रन रोकने पड़ेंगे, और विकी 2 गेंदों पर 10 रन आपको बनाने ही पड़ेंगे, अन्यथा आप प्रतियोगिता से लगभग बाहर जाएंगे। इस बार बढ़िया शॉट, और ये गेंद सीमा रेखा के लगभग बाहर तो बिल्कुल नहीं गई, रोका गया गेंद को, और क्या भाई थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो मैदान पर, मात्र 2 रन निकले, अंतिम 8 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद बची है मैच में। शायद तो अगर छक्का मारते ना तो आखिरी गेंद पर जो ओवर थ्रो हुआ था वो कहीं ना कहीं कारणीभूत होगा मैच में इस वक्त।
और बढ़िया कनेक्शन और बल्ले के बीचों बीच और ये गेंद सीमा रेखा के लगभग करीब करीब चार रनों के लिए, लेकिन वहां देर हो गई मैच में, बारी लगभग संकट में और रोहित स्पोर्ट जो के वास्को टीम भाई एगी आपका खास धन्यवाद, एक कैच लपका ग्राउंड में, बहुत बढ़िया फील्डिंग और शायद अब मैन ऑफ द मैच पर भाई थोड़ा सा परेशानी हमें भी रहेगी मैदान पर। हेमंत सावंत जो की मेहनत में देखे भाई संकट हमारे पास है, रेवन जिसने आज अच्छी बल्लेबाजी की, लगभग मैच में रेवन का निजी स्कोर 33 पर पहुंचा रेवन, और शायद रुपेश जिसने दो ओवर डाले मात्र रन खर्च किए लगभग 16 और 3 विकेट, लेकिन टीम बिल्कुल यहां पर कह रही कि भाई जिस रुपेश ने आखिरी समय पर पावर प्ले के ओवर में 21 चाहिए थे तब मात्र 5 रन दिए और वहां पर सचिन बंगारे का विकेट निकाला और साथ साथ राजेश का, वो मैन ऑफ मैच का टर्निंग पर और मैन ऑफ द मैच का दावेदार जो के रुपए